हम लोगों ने पिछले टॉपिक में एक्सट्रीशन के बारे में पढ़ा और हम लोगों ने ये टॉपिक डिस्कस किए कि हमारे बॉडी के अंदर लिविंग थिंग्स से कौन कौन सी टाइप्स के एक्सट्रीटिव प्रोडक्ट्स रिलीज़ होती हैं और उनका वाटर कंसनट्रेशन से क्या ताल्लुक़ है अब हम वन बाय वन उन एनिमल्स को डिस्कस करेंगे जो कि डिफरेंट एक्सक्रीटिव मैकेज़म जो होता है वो स्टडी उनमें मौजूद होते हैं एंड देन हम लोग स्टडी करेंगे कि कैसे एक्सक्रीटिव सिस्टम्स ह्यूमन के अंदर इवॉल्व हुए तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाइड्रा की जब मैं हाइड्रा की एक्सप्रेशन की बात करूँ तो वी ऑल नो कि हाइड्रा जो है वो एक्वाटिक डिप्लोप्लास्टिक निडेरियन है विच मीन्स कि उसकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स है वो सिंपली डिफ्यूज़ करेंगे इन द वाटर इसके हर सेल में जैसे ही वो वेस्ट प्रोडक्ट यानी कि अगर आउटर लाइनिंग के अंदर जो है वो वेस्ट प्रोड्यूस हुए तो वो जो है वो डायरेक्टली इन्वायरमेंट में एक्सक्रीट आउट हो जाएगा डिफ्यूज़ हो जाएगा इसी तरह इसकी जो इंटरनल लाइनिंग होती है जिसको हम लोग इंटरनल कैविटी कहते हैं उस कैविटी के अंदर भी जो है वो मटेरियल जो होता है वो डिफ्यूज होता है और वो वाटर के वाटर करंट के थ्रू एनवायरनमेंट में रिलीज़ हो जाते हैं तो इस तरह से हाइड्रा के अंदर एक्सप्रीशन का प्रोसेस जो होता है वो कंटिन्यू होता है और सिंपल डिफ्यूजन होती है क्योंकि जब भी आपने हाइड्रा को याद रखना है कि हाइड्रा जो था वो सबसे पहले लेस ऑर्गेनाइज एनिमल है यानी कि ऐसा एनिमल जिसके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है सो दैट्स वाई हर सेल इंडिविजुअली अपनी बॉडी का जो वेस्ट मटीरियल है उसको एन्वायरमेंट में डिफ्यूज करता है